दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक जो आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम एनवायरमेंट टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम लगभग 17 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एनवायरमेंट पार्ट से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन से लगभग 20 टॉपिक को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन के थ्रू लगभग 17 से 18 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, आपने नेशनल स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क के बारे में सुना होगा, इस साल काफी न्यूज में रहा है ये, और इसके बारे में कुछ आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। अब पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने इस इकोसिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अब आपको पता होगा कि इंडिया के अलावा 90 और ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, तो इस वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसे इंप्लीमेंट करेगी इस न्यू फ्रेमवर्क को, बट यहां भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल जो है आपकी वो इसको इंप्लीमेंट करेगी इंडिया में। सो दैट्स व्हाई यहां पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज इंडिया में स्टैटिस्टिक्स से डील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल है। ऑल्दो ये टॉपिक आपका एनवायरमेंट से लिंक कर सकते हो आप, बट स्टिल यहां पर इसे इंप्लीमेंट करिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल। अब यहां अकाउंटिंग का क्या चल रहा है आपको एक बार बता देता हूं। जैसे नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग जो होती है, आपको सबसे पहले इस टर्म को समझना होगा। नेचुरल का मतलब क्या होता है, आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो नेचर में मिल रहे हैं उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। यहां पे हम देखते हैं कि किसी देश में किस तरह की इकोसिस्टम की सर्विसेज हमें मिल रही हैं और उसे मॉनेटरी टर्म में हम काउंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वॉल्वड है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट नहीं। अब यहां आप इलिमिनेशन को अगर अपनाते हैं तो आप देखिए बी स्टेटमेंट को पहली स्टेटमेंट के बाद ही इलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके ऑप्शन में होना चाहिए था, बट यहां पर बी स्टेटमेंट में नहीं है, सी में नहीं है। अब यहां पर आपके पास ए और डी दो ऑप्शन बचे हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट जब आपकी यहां पर आंसर में होनी चाहिए थी तो इस वजह से यहां पर डी ऑप्शन भी इलिमिनेट हो चुका है। आपका आंसर आ चुका है ए ऑप्शन, और फिर भी हम बाकी बची हुई स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एनकेव एक प्रोजेक्ट है जिसे फंड कर रही है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट। अब यहां इस जो प्रोजेक्ट है इसको फंड कर रही है आपकी यूरोपियन यूनियन, यूएनईपी नहीं। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। और फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एक टूल है जिसे हम मेजर करते हैं कि किस एक्सटेंट तक कंट्री में नेचुरल एसेट प्रेजेंट है। अब देखिए आप सभी जानते होंगे कि हाल फिलहाल में नेचर के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और इस वजह से हम ये जानने की कोशिश में हैं कि इन जो नेचुरल एसेट्स जो हमारे पास पड़े हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ताकि हम लोगों को इसके बारे में समझा सकें और इससे इनके कंजर्वेशन एफर्ट में और ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसके बारे में आपको और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप पीपीटी में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बट यहां मेरा फोकस ये था इन 4-5 टर्म्स के ऊपर जिसके ऊपर आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। यहां पे आपको कैंपा फंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे और साथ के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है। अब यहां आपसे पूछा गया है कि आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब पहली स्टेटमेंट की बात करें तो इस कैंपा फंड को मैंने यहां पर इसलिए रखा है कि रिसेंटली आपकी जो फंडिंग है इस कैंपा फंड की, कैंपा फंड आपको पता होगा कि आप जब भी एक मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है इसे डाइवर्ट करते हैं नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, फॉरेस्ट लैंड था इसे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए आप डाइवर्ट करते हैं, तो उस केस में आपको कुछ पैसे पे करने होते हैं। अब इसका 90% जो हिस्सा है वो स्टेट के पास जाता है और लगभग 10% इसका सेंटर के पास जाता है। सो दैट्स व्हाई यहां पे इस फंड में बहुत सा पैसा इकट्ठा हो रखा था, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास, और रिसेंटली 32 स्टेट्स में इस पैसे को डिवाइड किया गया है और इसमें अभी हाल फिलहाल में कुछ चेंजेस आए हैं, तो दैट्स व्हाई ये आपका फंड न्यूज में रहा है और इसी वजह से पहली स्टेटमेंट मैंने यहां पर ली है। अब इसमें कहा गया कि कैंपा फंड के अंडर आप किसी भी गांव को रिलोकेट करने के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं जो किसी जंगल वाले एरिया में आता है। तो आपको यहां पर पहली स्टेटमेंट के बारे में पता होता तो आपको पता होगा कि ये गलत है स्टेटमेंट, बिकॉज आप इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप यहां पर पैसा फॉरेस्ट की स्टैटिक वैल्यू को इंक्रीज करने में लगा सकते हैं और इसके अलावा आसपास के एरिया में थोड़ा जैसे वाइल्ड एनिमल्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमंस का उसको कम करने में यूज कर सकते हैं और भी बहुत सी जगह इन पैसों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ग्राम सभा
is the authority to initiate the process of determining natural and extent of individual forest right under Forest Right Act 2006. तो ये statement आपकी बिल्कुल correct है, क्योंकि ग्राम सभा के पास ही power है, सबसे पहले beneficiary को यही choose करते हैं और इसके बाद आपकी steering committee और बाकी committees के पास यहाँ का फैसला जाता है. तो यहाँ आपकी second statement ठीक हो जाती, तो answer बन गया B option. अब इसके कैंपा फंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट और जान लेते हैं. जैसे आपको पता होना चाहिए कैंपा फंड होता क्या है, आपका इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो इसकी फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे रिसेंटली 2016 में हमने बनाया था. और यहां पे हमारा फोकस है कि हम किस तरह से जो इंडस्ट्रीज को लैंड दे रहे हैं उससे जो फंड जनरेट हो रहा है उसे बेटर वे में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली ये न्यूज में था, तो कुछ फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया है आपके स्टेट्स के बीच में. बट यहां आपको पता होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में. जैसे इसमें हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए पैसा इससे निकाल सकते हैं, विलेजेस की रिलोकेशन के लिए, अवेयरनेस जनरेशन के लिए, साथ के साथ वुड्स की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ताकि फॉरेस्ट के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े. आप एफॉरेस्ट्री वगैरह कुछ ऐसी या फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर वगैरह को प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पे. साथ के साथ कैचमेंट एरिया में आप ट्रीटमेंट वगैरह प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, जिससे इस एरिया में आपके जो ट्रीटमेंट वेस्ट का जो मटेरियल है वो डंप ना हो. साथ के साथ नेचुरल जनरेशन यानी जो आपके फॉरेस्ट है उसकी रीजनरेशन में भी इस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही जानना आपके लिए जरूरी था. और ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किए थे क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में रहे. अब यहां पर आपको कुछ स्पीशीज के बारे में बता रखा है, इस नॉट को यहां पर कैंसिल कर देना. आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्पीशीज आपकी थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है IUCN के अकॉर्डिंग. अब इस तरह के क्वेश्चन UPSC फ्रीक्वेंटली पूछता था, अभी भी पूछता है, बट थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो चुका है. मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, बट यहां आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्पीशीज थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है. तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए थ्रेटेंड कैटेगरी में आपकी कौन कौन सी स्पीशीज आती हैं. आपको मैं दो बता रहा हूं, एक आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है. सबसे पहले जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीशीज होती है वो यहां पर आती है, इंडेंजर्ड कैटेगरी की जो स्पीशीज होती है वो भी इसके अंडर काउंट होती है. और तीसरी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है. अब यहां जो भी आपकी स्पीशीज इन तीनों कैटेगरीज में आती हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं. बट इस तरह के क्वेश्चन UPSC पहले पूछा करता था, अभी हाल फिलहाल में शायद इसके ऊपर इतना फोकस ना हो UPSC का. आपको सिर्फ और सिर्फ इन स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इसके बारे में UPSC आपसे सवाल पूछता है, आपको ऑड वन आउट फाइंड करने में हेल्प मिलेगी. और यहां पर इसका जो आंसर है ये तीनों ही आपके, ये पांचों ही, सॉरी ये पांचों ही आपके थ्रेटन्ड कैटेगरी में आते हैं. सो ऑप्शन बनेगा डी. आपने क्रैकल के बारे में सुना होगा, इसके जैसे बिल्ली जैसी दिखती है और इसके जो कान है यहां पर इसके काला सा निशान रहता है. सो दैट्स व्हाई इसके बारे में थोड़ा अलग से आपको पता होना चाहिए. राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. व्हाइट बेलीड हिरॉन जो ये आपकी प्रजाति है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है, सो दैट्स व्हाई इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सेम आपका ये क्लोकेंथ जो है आपका, ये भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इसके बारे में पता होना चाहिए. तो ये जो टॉपिक मैंने यहां पर सिलेक्ट किए हैं यहां पर ये पूरे नहीं है. यहां पर आप इस चीज को समझिए कि इस तरह की आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है जो थ्रेटेंड स्पीशीज से डील करती हो. वनरेबल और नियर थ्रेटेंड को आप इसमें ना भी काउंट करें, या आपके लीस्ट कंसर्न को आप इसमें ना भी काउंट करें, नियर थ्रेटेंड नहीं, जो लीस्ट कंसर्न है उसको यहां पर ना भी काउंट करें, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और नियर थ्रेटेंड स्पीशीज को यहां पर काउंट करना है और उनके लिए एक लिस्ट तैयार करनी है जिससे आपको एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफी हेल्प मिलेगी. और इसके लिए आप हमारी उड़ान मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, उड़ान प्लस को. अब यहां तो इसका तो आंसर आपको पता लग गया है. नाउ लेट अस सी कि दूसरे तरीके से किस तरह UPSC स्पीशीज के बारे में आपसे पूछ सकती है. अब देखिए आपने पहला तरीका तो देख लिया जहां पर UPSC आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है. बट कई बार ऐसा होता है कि UPSC आपको एक ही स्पीशीज के बारे में कुछ डिटेल देती है और आपसे क्वेश्चन करती है कि आपको इसके बारे में क्या पता है. अब लास्ट ईयर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि कोई अगर एनिमल किसी के ऊपर अटैक करता है वो रोल करने लग जाते हैं स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज कौन सी है. तो यहां पे इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको. अब यहां आपको लाल चंदन के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है, अभी रिसेंट टाइम में ये न्यूज में भी रही है, मूवी भी आई है इसके ऊपर. सो दैट्स व्हाई इसके ऊपर क्वेश्चन UPSC पूछ सकती है. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा कि मूवी आई है, मूवी का नाम क्यों लिया यहां पे.
देखिए रामानुजन सर के ऊपर एक मूवी आई थी और उसके ऊपर 2017-18 में एक क्वेश्चन भी आया था, सो दैट्स व्हाई यहां पर इस तरह के फैक्ट्स के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो दैट्स व्हाई यहां पर मैंने लाल चंदन को इंक्लूड किया है। बट बाकी स्पीशीज के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता लगती है, कोई किसी एरिया की फ्लैगशिप स्पीशीज है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां आपको पहली स्टेटमेंट गिवन है, जैसे ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको लाल चंदन देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाले एरिया में ही ये एंडेमिक है। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है दो कारणों से, क्योंकि ये आपको मॉइस्ट एवरग्रीन में नहीं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। दूसरी चीज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अलावा तमिलनाडु और केरला जैसे एरिया में भी ये स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पर आपका ए ऑप्शन इलिमिनेट हो गया और डी भी इलिमिनेट हो गया। अब आपको मात्र ये देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि इसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सो बिल्कुल सही है, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, दैट्स व्हाई यहां पे आपका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। अब आपको ये तो पता ही लग गया है कि थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये याद रखना है कि अपेंडिक्स 2 में आता है साइट्स के, और साइट्स क्या है, आपका एक 1975 का कन्वेंशन जिसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम जो ट्रेड है इंडेंजर्ड स्पीशीज की उसको किस तरह से रेगुलेट करें, उसे इलिमिनेट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है यहां पे। बिकॉज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, चीता भी आपकी एक इंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज है, अब अगर उसके लेन देन पे रोक लगी हो तो हम वो चीता नहीं ला सकते भारत में, सो दैट्स व्हाई ये साइट आपका जो कॉन्सेप्ट है, साइट जो आपका कन्वेंशन है, ये इस बारी न्यूज में रहा है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज ये जो आपका कन्वेंशन है ये डील करता है इंडेंजर्ड कैटेगरी की जितनी भी स्पीशीज है उनकी ट्रेडिंग से, ये उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है, बस रेगुलेट करने की कोशिश करता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे हम चीता रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यहां पर आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर बन गया बी ऑप्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। अब यहां पे आपको एक्वापोनी या हाइड्रोपोनी और जियोपोनी के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी रहेगी इस टॉपिक की। तो जियोपोनी क्या होती है, जो हम नॉर्मल खेती बाड़ी करते हैं जिसमें लैंड इन्वॉल्व होता है, और हाइड्रोपोनिक आपकी वो टेक्नोलॉजी है जहां पे आप पानी के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो आप पहली स्टेटमेंट को देखिए कि यहां पे कहा गया कि एज कंपेयर टू जियोपोनिक, जो हाइड्रोपोनिक है वहां पर पानी की जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है। तो जियोपोनिक में आपकी लैंड की या सॉइल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हाइड्रोपोनिक में नहीं, तो पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि आपकी जो जियोपोनिक है उसमें कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती, बट हाइड्रोपोनिक में जरूरत होती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यह देखना होता है कि पानी के अंदर किस तरह का न्यूट्रिएंट मिल रहा है, किस तरह का पीएच लेवल है, इन सभी को आपको वहां पर मेंटेन करना होता है, दैट्स व्हाई यहां पर हाइड्रोपोनिक में आपको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट की तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको कहा कि हाइड्रोपोनिक में जो प्लांट्स हैं वो जल्दी ग्रो करेंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा बड़े होंगे, तो यस, क्योंकि वहां पर उनके पास डायरेक्ट न्यूट्रिएंट आ रहा है, उनको न्यूट्रिएंट के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर वीड्स वगैरह ग्रो नहीं करती, सो दैट्स व्हाई यहां पर उनकी जो ग्रोथ है वो फास्टर होगी और वो आम साइज से जो है वो ज्यादा बड़े ग्रो करेंगे, सो दैट्स व्हाई यहां पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई और आंसर बन गया आपका सी ऑप्शन, यानी 2 और 3। अब छठवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बिम्स प्रोग्राम जो है रिसेंटली न्यूज में रहा था, इसके बारे में आप बताइए। यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, लेट्स टॉक अबाउट द बिम्स प्रोग्राम फर्स्ट। अब आपने अगर इंटीग्रेटेड कोस्टल डेवलपमेंट या कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में सुना हो तो उसी के अंडर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कोस्टलाइन को, जो 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्टलाइन है, इसको हम सस्टेनेबली मैनेज कर सकें। अब यहां पे जो आपकी सॉइल इरोजन है या पोल्यूशन है उसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो आपका बिम्स प्रोग्राम है वो लगभग मिलता जुलता है किससे, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से। अब ये जो फ्लैग सर्टिफिकेशन है इसके 33 क्राइटेरिया है, इनमें से जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी किसी बीच पे मिलना, या आपके किसी एरिया में पेट्स को अलाउड ना करना, उसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनके लिए वहां पर फैसिलिटीज वगैरह डेवलप करना, चेंजिंग रूम बनाना, ये सभी इस क्राइटेरिया में इंक्लूडेड होते हैं। अगर किसी बीच के पास ये सर्टिफिकेशन हो तो वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, सो दैट्स व्हाई ये दोनों ही चीजें आपकी न्यूज में रही।
और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इसलिए भी न्यूज में रही थी कि रिसेंटली अभी आपके उड़ीसा स्टेट ने एक और बीच को इस सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, बट जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज की है। अब ऐसा करने के पीछे कारण ये था क्योंकि जब किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो वहां पर फिशिंग इंडस्ट्री अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, उनकी वर्किंग के ऊपर हैम्परिंग होती है। दैट्स व्हाई उनकी कोशिश ये रहती है कि उस एरिया में उनके जो फिशिंग वाले एरिया में इस तरह की कोई स्कीम लागू ना हो। अब इससे क्योंकि उनके लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट भी इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। अब यहां पे इसको चूज करने का कारण ये है क्योंकि ये एयर पोल्यूशन से तो डील करता ही करता है, साथ के साथ एनर्जी सेक्टर से भी आपका डील करता है। सो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी अमूमन पूछ लेती है जहां पर आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल को डेवलप करने की बात कर रहे हो। तो इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आप उसको एक बार पढ़िए। इट एम्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय स्टबल बर्निंग। अब आपको पता होगा जैसे हम धान की खेती करते हैं, चावल की खेती करते हैं, तो उससे स्टबल पैदा होता है, जब उसकी जो छिलका होता है चावल का वो प्रोड्यूस होता है जब कटाई होती है इस जो राइस की। अब जब ये कटाई होती है तो ये स्टबल प्रोड्यूस होता है, इसको हम जला देते हैं, पराली जलाते हैं जैसे। अब स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली एनसीआर के एरिया में एयर पोल्यूशन एकदम से राइज कर जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर के आसपास का। अब यहां उस समय दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और इसी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं हैंडल करने के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया। सो यस, पहली स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए बायोमास को फायरिंग क्या होती है, जिसके बाद आप इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। अब देखिए बायोमास को फायरिंग का मतलब होता है आप एक फ्यूल यूज कर रहे हैं जैसे कोल हो गया, गैस होगी या और कुछ, और उसके साथ आप बायोमास को जला रहे हैं तो दैट इज बायोमास को फायरिंग। और यहां पे आप रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कैसे? अब पराली जब हम जलाते तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और जब हम कोल बर्न करते तब भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। अब 5-10% अगर हम कोल कम यूज करके इसी को यूज करके हम अगर एनर्जी जनरेट करते हैं तो इससे ना केवल कार्बन फुटप्रिंट कम होगा बल्कि इन थर्मल पावर प्लांट में इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हम लगा देंगे जिससे हम इन बायोमास को बर्न कर सकेंगे तो एयर में पोल्यूशन का जो लेवल है वो एयर पोल्यूशन लेवल भी कम हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेटमेंट आपकी कहती है स्टीयरिंग कमेटी है जिसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम आती है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आती है, वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है ये क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं है तो कई बार अटपटा लग सकता है आपको या हो सकता है पेपर में आपको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का जिक्र हो। तो स्कीम के बारे में आपने याद रखना है कि कौन इसे इंप्लीमेंट कर रहा है क्योंकि कई बार यूपीएससी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन जो एजेंसी होती है मिनिस्ट्री होती है उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो दैट्स व्हाई आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपको आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई है, पहली रिपोर्ट 1990 में पब्लिश हुई थी जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा और इसी के बाद 1992 में आपकी रियो अर्थ समिट निकल के आई थी इसी के अवज में। अब जब हम आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में सुनते हैं तो आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। ये अपनी खुद की रिसर्च कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये लोगों के रिसर्च के ऊपर ही अपने मटेरियल को बिल्ड करते हैं, उसी रिपोर्ट को और अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे एक बॉस करता है ना कई बार कि अपने जो जूनियर होते हैं उनकी रिपोर्ट को अपना बता के पब्लिश कर देते हैं, तो सेम काम इनका भी है। इसके अलावा आपने एक और चीज यहां पे याद रखनी है, ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है रिसेंटली इसमें हमने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के ऊपर फोकस किया है। हमने ये देखा कि जो आपके क्लाइमेट चेंज है इसके लिए पास्ट में किस तरह की चीजें हुई हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और इसमें हमने ये पाया कि जो इंडिया कहता है या जो डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं कि हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स की वजह से ये क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है उस चीज को इन्होंने नकार दिया है। ऑल्दो मैं इस चीज के बारे में फुली एग्री नहीं करता बिकॉज आप एक चीज देखिए इन डेवलप्ड नेशन की रिपोर्ट्स ही पब्लिश होती है और उन्हीं रिपोर्ट्स को आगे ये फर्दर पब्लिश करते हैं, सो दैट्स व्हाई इनकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी थोड़ी इस चीज में डिल्यूट हो जाती है। अगर ये अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करते तो बेशक मैं इस चीज के लिए एग्री कर लेता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, यहां पे कहा गया है कि आपकी जो मुंबई है ये हाई रिस्क पे है सी लेवल राइज के लिए। अब आप सभी को पता है कि
मुंबई का कुछ एरिया लो लाइंग एरिया है जहां पर फ्रीक्वेंटली फ्लड भी आ जाता है जब एक्सेसिव रेनफॉल होती है, सो दैट्स व्हाई वहां पर आपको सी लेवल राइजिंग की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अहमदाबाद वाले एरिया में आपको सीरियस हीट वेव देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही जो आपकी चीजें हैं यहां पर सही बताई गई हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि पहली बार इस रिपोर्ट में असेसमेंट की गई है रीजनल और सेक्टोरल इंपैक्ट के ऊपर, तो यस दैट इज ट्रू। हमने जैसे इंडिया के बारे में इसमें फोकस किया, जैसे इंडिया के जो डाटा है ये इन्होंने ही रिलीज किया है, तो रीजनल लेवल पे भी हमने इस रिपोर्ट को बनाने की कोशिश की है और वेरियस जो सेक्टर्स हैं उनका क्या इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके ऊपर भी यहां पे फोकस किया गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट। तो यहां कहा गया कि सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और डायबिटिक और आपके साथ के साथ इन्फेक्टिस डिजीज के कारण जो डेथ रेट है वो इंक्रीज होगा, साथ के साथ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट भी इंक्रीज होगा। अब कल के भी क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जहां पे मैंने कहा था कि बच्चों के ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज इनकी वर्नेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इन्हें जैसे हम अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं उतने अच्छे से ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते और जो इन्फेंट है उनके ऊपर इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, सो दैट्स व्हाई उनकी मोर्टैलिटी रेट ज्यादा होगी। साथ ही साथ यहाँ पे सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी डिजीज के भी चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए आपका ब्लड जो है उसकी जो लिक्विडिटी है या फ्लूडिटी जो हम कहते हैं वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अब इससे बीपी वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो आपको सर्कुलेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है लोगों में, जैसे नोज ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है बिकॉज कई बार गर्मी में लोगों को घबराहट होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और उसके अलावा इन्फेक्टिस डिजीज के बारे में हमने कल के लेक्चर में भी बात की थी और आज एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि बैक्टीरिया के पनपने के लिए, ये बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए अच्छा टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया वगैरह की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्टिस डिजीज में उछाल देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट हो जाती है और आंसर बन जाता है डी ऑप्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह यहां पर गिवन है, इसके बारे में आप देख लेना। जैसे आपको यहां पर कहा गया कि चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना और लखनऊ इन एरिया में हीट और ह्यूमिडिटी बहुत डेंजरस लेवल पे हाई हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहां पे मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसका ऑनसेट जो है वो एकदम से रैपिड हुआ करेगा और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा एकदम से एक एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, किसी एरिया में बहुत कम बारिश हो रही है, तो कुछ एरिया में ड्रॉट, कुछ एरिया में फ्लड, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो एक्सट्रीम इवेंट्स है जैसे साइक्लोन्स जैसे, वो इवेंट्स और ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं आने वाले समय में। और यहां पे आपको याद रखना है कि इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन, मतलब एक बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट होने वाला है, और क्योंकि इंडिया की कोस्ट लाइन भी बहुत ज्यादा बड़ी है, सो दैट्स व्हाई इसका इंपैक्ट और ज्यादा देखने को मिलेगा इंडिया जैसी कंट्री पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नाइन्थ क्वेश्चन। यहां पे आपको जीरो लिक्विड पॉलिसी के बारे में पूछा गया, रिसेंटली ये न्यूज में रही है और इस तरह की पॉलिसी के ऊपर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहां आपको पूछा गया है कि आप इस पॉलिसी के थ्रू क्या करना चाहते हैं, तो पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि आप बैलेंस करना चाहते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जीरो लिक्विड पॉलिसी है क्या। देखिए जीरो लिक्विड का मतलब है जो इंडस्ट्रीज पानी यूज कर रही है उसी को बार बार आप ठीक करके उसे इस्तेमाल करें, ठीक करने का मतलब उसी को आप लाइक फिल्टर करें, उसी को आप इवेपोरेट करके उसे अच्छे से क्लीन करके आप उसी को बार बार यूज करेंगे, दैट इज जीरो लिक्विड पॉलिसी। आप बाहर से लिक्विड यूज नहीं करें, जो आपके पास लिक्विड अवेलेबल है आप उसी को बार बार यूज कर रहे हैं। तो यहां इसका जो एम है इन्वायरमेंट का और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का दोनों को साथ लेके चलने की बात करता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जहां पे इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट कम इससे हो जाएगा क्योंकि वाटर यूजेस आपकी बाहर से कम हो जाएगी और वेस्ट डंपिंग भी कम हो जाएगी और साथ के साथ इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर भी इंपैक्ट कम पड़ेगा। और आप सेम पानी को बार बार यूज कर रहे हैं तो आपको पानी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने की भी जरूरत नहीं है, ऑल्दो फिल्ट्रेशन वगैरह में आपका पैसा लगेगा बट ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट है वो सेव ही होगी लॉन्ग टर्म में। सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपकी वो कहती है कि इट एम्स टू सर्कुलेट ऑल वाटर बैक टू प्रोसेस विद जीरो लिक्विड वेस्टेज। तो यही इसका काम है, हम वाटर को कम से कम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हम फिजिकल बैरियर को यूज करेंगे, जैसे एक फिल्टर लगाया, यहां से पानी पास करवाया। अब पानी जब यहां से पास करेगा तो फिजिकल इंप्योरिटीज जो होंगी वो सेग्रीगेट होगी। इसके बाद हम रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहां पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट विल यूज
रिवर्स ऑस्मोसिस, जिस प्रोसेस में आप वाटर को फ्लो करते हैं लो कंसेंट्रेशन साइड से मोर कंसेंट्रेशन की तरफ। तो ये तो नॉर्मली होता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, ऑस्मोसिस का नॉर्मल प्रोसेस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में आप हायर कंसेंट्रेशन जहां पर आपको देखने को मिलते हैं सॉल्ट या किसी चीज की, वहां से लिक्विड को लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करवाते हैं। तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी और यहां पे आपका आंसर बन गया बी ऑप्शन। अब रिवर्स ऑस्मोसिस से आप काफी कुछ फिल्टर कर देंगे, उसके बाद आप इवेपोरेशन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप क्रिस्टल फॉर्मेशन वगैरह करेंगे, थर्मल प्रोसेस जिसे कहते हैं। अब यहां इवेपोरेट करके पीछे सिर्फ आपका एक सॉलिड वेस्ट रह जाएगा और इसे रिमूव करना बहुत इजी होगा बिकॉज एक क्रिस्टल फॉर्म में होगा, एक सॉलिड की फॉर्म में होगा और इसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं और इससे आपका जो प्रोसेस है वो जो पानी है वो कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा। तो दीज आर द स्टेप्स विच वी कैन यूज, जैसे फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल सेग्रीगेशन जहां पर हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं, फिल्टर के थ्रू पानी को पास करवाते हैं, मेम्ब्रेन प्रोसेस जिसमें हम रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मल प्रोसेस जिसमें हम इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये सभी प्रोसेस को हम मिला के वाटर को सेव करने की कोशिश करेंगे और इन सभी चीजों के ऊपर इस पॉलिसी में हमारा फोकस है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा आज का। इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव वॉज लॉन्च ड्यूरिंग ग्लासगो क्लाइमेट समिट। तो ग्लासगो क्लाइमेट समिट के बारे में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब इसकी साइडलाइन में कई आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए गए, जैसे ये ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव तो वैसे तो 2004 में स्टार्ट किया गया है, तो इसका तो ग्लासगो से कोई रिलेशन नहीं है। आपको याद रखना है कि ये जो आपका ग्लोबल मिथेन प्लेज है उसको हमने यहां पे लॉन्च किया था, तो काफी सिमिलर से वर्ड है और मिथेन इनिशिएटिव भी आपका न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने इसे चेयर किया था, तो दैट्स व्हाई को चेयर किया था कनाडा के साथ, तो दैट्स व्हाई ये दोनों न्यूज में थे और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकता है। तो यहां आपको याद रखना है कि ग्लोबल मिथेन प्लेज आपकी ग्लासगो में रिलीज की गई थी, वेयर एज ये जो आपका इनिशिएटिव है ये 2004 में रिलीज किया गया था और इंडिया ने इस साल इसे चेयर किया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो वॉज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद रेस टू जीरो कैंपेन। अब रेस टू जीरो कैंपेन क्या है कि हम कार्बन एमिशन को जीरो लाना चाहते हैं और इसके लिए हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जहां पर आपकी यूरोपियन यूनियन और यूएस जैसी कई कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस जो है यहां पे आपको याद रखना है कि 450 से ज्यादा आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सभी मिलके यहां पर कोशिश ये करें कि हम ग्रीन फंडिंग कर सके, ग्रीन फंडिंग इन द सेंस उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पैसा दे सके हम जो क्लाइमेट चेंज को रोकने में कारगर हो। आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है वो ये कि यहां इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यहां ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट गलत थी, तो आपके ये पार्ट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। वैसे तो आंसर आ चुका है बट ये बाकी चीजें भी हम देख लेते हैं। अभी रिसेंटली ग्लासगो में इंडिया ने कमिटमेंट की थी कि हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे बाय 2070, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। इसके अलावा भी हमने कुछ पंचअमृत करके कुछ स्टेटमेंट रिलीज की थी, चार, एक तो ये है, इसके अलावा चार और है। पहली है कि हम 2030 तक 450 से 500 गीगावाट एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट करेंगे। एक बार चेक कर लेना 450 या 500 है। उसके अलावा दूसरी स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि 2030 तक हम 50% जो अपनी एनर्जी है, वैसे तो यहाँ 450 होगा, 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से जनरेट करेंगे। तीसरी स्टेटमेंट यहां पर यह कहेगी कि 2030 तक हम इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसे इस तरह से इंक्रीज करेंगे कि वो 1 बिलियन टन आपकी कार्बन को और ज्यादा सिंकोस्ट्रेट कर सके। तो ये आपके पंचामृत जो स्कीम है उसके अंडर आता है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। और लास्ट में हमने ये कहा था कि हम अपनी जीडीपी इंटेंसिटी है जो कार्बन एमिशन की उसको 45% तक कम कर देंगे और इसके लिए हमने स्टैंडर्ड चूज किया 2005 का। अब एक चीज याद रखना, जो आपका जो जीडीपी इंटेंसिटी है ये होता क्या है, देखिए आप जब एक जीडीपी पॉइंट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं उसके लिए आप कितना कार्बन अमिशन कर रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, मतलब उतना आपका कार्बन इंटेंसिटी है जीडीपी को ग्रो करने के लिए और उसी को हम यहां पर कम करने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 1% से जीडीपी को ग्रो करवा रहा हूं और इसके लिए लगभग मैं 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट कर रहा हूं, तो इंडिया ने कहा है कि हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि इसे 45% से कम कर सकें, यानी 45% रिड्यूस करके इसे 55 तक लेके आएंगे। तो इस चीज के ऊपर इंडिया फोकस कर रहे हैं यहां पे।
तो इसी के बारे में यहाँ पर आपको कुछ बता रखा है, जैसे ग्लोबल मिथेन प्लेज क्या है, ये आपकी लॉन्च की गई थी COP26 में जो ग्लासगो में हुई थी, इसमें 90 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है और यूरोपियन यूनियन के साथ आपकी यूएसए भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें हमारा फोकस ये है कि हम मिथेन की इंटेंसिटी को या मिथेन के अमीशन को 30% से कम कर देंगे बाय 2030। और यहाँ यूरोपियन यूनियन और इनके अलावा 103 कंट्री और भी हैं जो कह रहे हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अभी 90 ही हैं, 103 कंट्रीज हो जाएंगी अगर बाकी कंट्रीज भी इसमें आ जाती हैं जो इसमें शो कर रही हैं अपना इंटरेस्ट। यहाँ दो तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, फर्स्ट मिथेन प्लेज में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपका, चाइना, ब्राज़ील और साथ के साथ रशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस चीज से भाग क्यों रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी आपको डेयरी इंडस्ट्री दिखती है और वहां से मिथेन जनरेट होता है, और इंडिया में भी आपको सबसे ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलती है जैसे कैटल की, और मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कैटल, शिप और इन सभी की। तो मवेशियों की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से मिथेन ज्यादा जनरेट होगा और इस वजह से इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं कर रहा है। इफ वी टॉक अबाउट मिथेन इनिशिएटिव, ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव, तो इसके बारे में भी दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। अभी इंडिया ने को चेयर किया है इसे कनाडा के साथ, जैसा कि आपको बता चुका हूं ये 2004 का इनिशिएटिव है, और यहां हमारा एक फोकस है कि हम वॉलंटरी बेसिस पे लोगों को कहें, कंट्रीज को कहें कि आपकी जो अमीशन है मिथेन की आप उसे कम करें। अब इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाती है और आपके बैंक्स वगैरह भी, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 11th क्वेश्चन। तो ये आपका दो वजह से न्यूज में रहा है, पहला अंटार्कटिका में जो आपका ओजोन होल मिलता है वो कहीं ना कहीं अब बंद हो चुका है, इसकी वजह से ये न्यूज में रहा। दूसरा इंडिया ने अभी रिसेंटली आपके किगाली जो एग्रीमेंट है उसको रेटिफाई किया है, अमेंडमेंट को रेटिफाई किया है, सो दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में था और इसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब पहली स्टेटमेंट में आपसे बात की गई है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में, और ये कहा गया कि इसे हमने एज ए रिप्लेसमेंट यूज किया था जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है उसके लिए। तो यहां ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इनिशियली जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे इसमें जो आप देखते हैं जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी आ जाते थे, तो इनको रिप्लेस करने के लिए हमने ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाई थी। अब HFCs के बारे में आपको पता होगा, आपको हेलोन्स के बारे में पता होगा, तो ये सभी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं और इन्हीं को तो रिप्लेस करने के लिए हमने HFC बनाई थी। बट HFC के साथ प्रॉब्लम ये है कि ओजोन तो डिप्लीट नहीं करती है, बट बाद में हमें पता लगा इसका ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है वो काफी हाई है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज्यादा इन्वायरमेंट को हीटअप कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसमें किगाली अमेंडमेंट लेके आए। अब आपको पता होना चाहिए कि वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, इस वियना कॉन्फ्रेंस ये 1985 में हुई थी, इसका आउटकम रहा था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, और इसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई है आपकी किगाली अमेंडमेंट। तो यहां आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया की टाइमलाइन है किस टाइम फेज में इंडिया कितना इसको इलिमिनेट करेगा उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के इलिमिनेशन का प्रोसेस इंडिया में स्टार्ट होगा 2032 में, तो ये यहां तक तो स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इसके बाद ये कहा है कि हम कंप्लीटली इलिमिनेट कर देंगे इसे 2047 तक, तो ये चीज गलत है, हम इसे 80% तक रिड्यूस करेंगे, कुछ कंट्रीज इसे 85% तक भी रिड्यूस करेंगी जैसे यूएसए वगैरह, और उसके अलावा चाइना इसे 2045 तक अपना एलिमिनेट मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर बन गया 1 ऑप्शन। अब आपको चाहे थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता था या नहीं, बट स्टिल आपकी जो ये थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट होगी। यहां पे कहा गया कि इंडिया फेज आउट कर चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को और हेलोन्स को। अब इसके अलावा भी इंडिया और भी बहुत सी गैसेस को एलिमिनेट कर चुका है, जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगी, हेलोन्स होगी, मिथाइल ब्रोमाइड हो चुकी है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, तो इन सभी को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी इसके बारे में भी आपसे एक स्टेटमेंट के तौर पर पूछ सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कुनमिंग डिक्लेरेशन। रिसेंटली ये न्यूज में रहा है, आपको ये बताना है कि किस वजह से ये न्यूज में रहा है। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस नहीं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस प्लस 50 अभी रिसेंटली आपकी स्टॉकहोम में हो रही है, स्वीडन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करी है, तो ये तो नहीं। ये आपका इंडिया का एक इनिशिएटिव है, तो ये भी नहीं। ये तेरी इंस्टीट्यूट का एक इनिशिएटिव है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा न्यूज में भी रहा है।
उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यस ये इसी का पार्ट है क्योंकि अभी रिसेंटली इसकी कन्वेंशन चाइना में होके हटी है और इस कन्वेंशन से निकल के आपका ये कुनमिन डिक्लेरेशन जहां पे ये कहा गया कि जो आपकी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको जो लॉज वगैरह बना रखे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड उसको और ज्यादा इंपैक्टफुल करने की जरूरत है, उसको और ज्यादा मतलब जो नेचर है उसके साथ सिंक करने की जरूरत है। साथ के साथ चाइना ने यहां पे ये कहा है कि हम 230 मिलियन का एक फंड क्रिएट कर रहे हैं, 233 मिलियन का, जिसमें हम खुद पैसा डाल रहे हैं बट लोगों को चाइना की नीयत के ऊपर शक है, तो इस वजह से भी ये आपका थोड़ा न्यूज में रहा है। अब यहां जैसे मेन स्ट्रीम आपके बायोडाइवर्सिटी के जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाने की बात की गई है, जो एक्ट्स हैं उसको डिबेट में लाने की बात की गई है। जब भी आप कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख के उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। अब ये कॉप 15 जो हुई है यहीं से निकल के आई थी आपकी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन टर्म, और इसकी जो थीम थी वो थी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अब यहां इसके अलावा आपको और भी बहुत सी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि टारगेट 30-30 क्या है, 30x30 क्या है। अब यहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ के 30% हिस्से को, चाहे वो लैंड हो चाहे सी हो, उसको हम कंजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्शन के अंडर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क है, इस तरह के एरिया को और ज्यादा इंक्रीज करके लगभग 30% तक लेके आएंगे हम ग्लोबल लेवल पे। साथ के साथ इस फंड के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि चाइना ने यह फंड स्टार्ट किया है 233 मिलियन का है, और आपको यहां पे ये याद रखना है कि इसमें फोकस किया गया है कि हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ये जो पोस्ट पेंडेमिक इंपैक्ट है इसको रिड्यूस कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इकोनॉमी को पुश कर सके। तो इसकी ये इस डिक्लेरेशन की आउटकम में यहीं पर इन्हीं बातों के ऊपर फोकस किया गया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी तक यूपीएससी ने एनवायरमेंट सेक्शन में आपसे रिपोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है, इकोनॉमी में पूछा है, आपके सोशल डेवलपमेंट में पूछा है, बट येट इसमें अभी तक आपसे इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैं आशा कर रहा हूं कि आने वाले सालों में यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, इसकी रिपोर्ट के बारे में बताना कि कौन कौन सी रिपोर्ट ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ऑल्दो इस तरह का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी है, बट बाकी एक और तरीका भी है जिसके बारे में आपको मैं इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। पहला है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल लिटिगेशन रिपोर्ट, तीसरा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट, चौथा है ग्लोबल मिथेन असेसमेंट रिपोर्ट, पांचवा प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, छठी है आपकी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, सातवीं है आपकी स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ फॉर नेचर रिपोर्ट। अब इनमें से सिर्फ एक रिपोर्ट है, दिस वन ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपकी यूएनईपी रिलीज नहीं करती है, बाकी सभी आपकी यूएनईपी रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये आपकी यूएनईपी रिलीज करती है एनुअली, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट ये भी आपकी यूएनईपी करती है। अब इसके अलावा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट जो है ये यूएनईपी नहीं करती है, यहां पे आपको इकोशॉक जो कंपनी है, जो आपका डिपार्टमेंट है इकोशॉक, इसके बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, ये इसको रिलीज करता है। साथ के साथ ग्लोबल मिथेन असेसमेंट रिपोर्ट जो है ये आपकी यूएनईपी रिलीज करती है, प्रोटेक्शन प्लैनेट रिपोर्ट जो है यूएनईपी आईयूसीएन के साथ मिलकर रिलीज करती है, प्रोडक्शन गैप जो है ये रिपोर्ट आपकी यूएनईपी डायरेक्टली अपनी अपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रिलीज करती है, लास्ट है आपकी स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर रिपोर्ट, ये भी आपकी यूएनईपी और बहुत सी फॉर्म के साथ जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ और आपकी जो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इसके साथ मिलकर रिलीज करती है। तो ये रिपोर्ट्स आपकी यूएनईपी रिलीज करती है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किन रिपोर्ट्स के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट WMO रिलीज करती है, तो यहां पहली रिपोर्ट आपकी WMO रिलीज नहीं करती और लास्ट रिपोर्ट भी WMO रिलीज नहीं करती है। अब ये जो दोनों रिपोर्ट्स है ना ये आपके छुटमुट इंस्टीट्यूट करते हैं, जैसे स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir ये रिलीज करती है, तो ऐसी रिपोर्ट के ऊपर शायद यूपीएससी क्वेश्चन ना पूछे, बहुत रेयर ओकेजन है, तो इनके बारे में इनके इंडिकेटर्स के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहली जो है आपकी ये जो पहली रिपोर्ट थी दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ये रिलीज करती थी इस स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट को, तो इस वजह से आपको इन छुटमुट इंस्टीट्यूट्स के रिपोर्ट के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करने की। आप
पेज पे इन सभी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स को एक जगह लिख सकते हैं, और साथ के साथ किन इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट रिलीज होती हैं और क्या इनकी आउटकम रही है इंडियन पर्सपेक्टिव से, आपको वो पता होना चाहिए। तो इन दो क्वेश्चंस के थ्रू मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था। अब इस लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ पोल्यूटेंट के नाम गिवन है और साथ के साथ उससे होने वाले ह्यूमन इंपैक्ट के आपको नाम गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आमतौर पर पूछ लेते हैं, पोल्यूटेंट के बारे में आपको डिटेल में भी पूछ लेती है इनके क्या इंपैक्ट रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पे मैंने आपको डिटेल दे रखी है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। बट येट आपको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे लेड है, इससे नर्वस सिस्टम और आपके जो लीवर या किडनी है इसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। यहाँ पर मरकरी से आपको मिनीमाटा डिजीज देखने को मिलता है। अब मिनीमाटा एक जापान का एरिया है जहाँ पे आपको समुद्र के पानी में या पानी में आप कह सकते हैं मरकरी देखने को मिलती थी। अब ये मरकरी फिशेस आपकी अब्जॉर्ब करती थी जिससे आपको बायो अक्यूमुलेशन देखने को मिलती थी, और इसे फिश को ह्यूमन खाते थे तो इससे आपको बायो मैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिली और इससे बहुत से लोग मरे थे। तो दैट्स व्हाई ये मिनीमाटा एरिया में देखने को मिली डिजीज, तो इसे मिनीमाटा डिजीज कहते हैं। नाइट्रेट जो है यहाँ पे आपको इससे प्रॉब्लम है ब्लू बेबी सिंड्रोम की, मतलब बच्चों का जो शरीर है वो नीला पड़ने लग जाता है। सो ये भी आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बेरियम जो है इससे लंग्स के ऊपर डैमेज नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। बेरियम से आपको ब्रेन की स्वेलिंग देखने को मिलती है, मसल्स में वीकनेस देखने को मिलती है, और साथ के साथ आपके लीवर हार्ट के ऊपर इससे इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर आज के डिस्कशन में इतना ही। आज की डिस्कशन के बाद हमारा इन्वायरमेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें लगभग आपके 30 से 40 टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जैसा मैंने आपको बताया है अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आशा यही करता हूं कि इनमें से ही आपके जो क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में आए, बट ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत बेसिक को आप रिवाइज कर लेना सो दैट आपकी कमांड रहे बाकी एरियाज में भी। अगर यूपीएससी अपना पैटर्न को चेंज करता है तो आप उसके लिए भी अपने नेक को तैयार करके रखें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स थे जो हमने 30 क्वेश्चन के थ्रू कवर किए हैं, और लगभग ये आपके 35 से 40 टॉपिक हैं। अगर आप इसको वक्त रहते 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप इजीली इनके बारे में समझ सकते हैं, और क्यों मैंने इन टॉपिक को चूज किया है ये भी मैंने आपको साथ के साथ बताया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आप अपना स्कोर इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।